Yes, good evening everybody. अपने बीच में लक्षिता सूत्रकार है, वो अपने पेरेंट्स के साथ है, वो आइए। इनका आरजेएस के अभी परीक्षा परिणाम में 92nd रैंक से है, वो चयन हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। अभी 2020 में ही इनकी एलएलबी कंप्लीट हुई और प्रथम प्रयास में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, ये सफलता है वो अर्जित की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रथम प्रयास में चयन अपने आप में इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका डिवोशन, डेडिकेशन ये दर्शित करता है। इतने हजारों स्टूडेंट्स में से जो इन्होंने मेहनत की और ये वो इस परीक्षा को है वो क्रैक किया या इस वो मुकाम को हासिल किया है। अब मैं इसी कड़ी में लक्षिता को है वो आमंत्रित करता हूँ कि हम इस संस्थान की तरफ से एक छोटा सा प्रतीकात्मक आपके लिए सम्मान और स्वागत समारोह रखा गया, उसको स्वीकार करें। और स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए, इनको परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, आपकी जो सफलता यात्रा है आपने कैसे किया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो आप है वो साझा करें अपनी जो तैयारी के जो आपके तरीके या नुस्खे हैं जो, ताकि इनको भी है वो आगामी परीक्षा के अंदर फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले तो मैं लक्षिता द्वारा इस मुकाम को हासिल करने के लिए इनको माल्यार्पण करके आए सम्मान करूँगा और इसके बाद एक ये गुलदस्ता भी इस अविस्मरणीय मोमेंट पर, और इनके साथ जो इनके पिताजी आए हैं इनका भी सर आप भी आ जाइए सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू आप जी सर। थैंक यू सर, ये दे दीजिए आप यहाँ माइक। या सब लक्षिता आपको जो है अपनी परीक्षा की तैयारी, इनकी रणनीति क्या रही, किस तरीके से इन्होंने वो इस मुकाम को हासिल किया, इसको संक्षिप्त में वो बताएगी। और आपकी कोई क्वेरीज भी हो किसी तरीके की, प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी स्टेज की तैयारी की, तो आप लोग है वो पूछ भी सकते हो लास्ट में, जब ये अपने सारे विचार रख लें उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यस बताइए लक्षिता। हेलो, एम आई ऑडिबल? एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा, लक्षिता इंटरव्यू के टाइम अपना कोचिंग लक्षिता ने वो ज्वाइन किया था, प्री और मेंस की तैयारी इन्होंने अपने तरीके से की थी या कहीं और से की है, इंटरव्यू में ज्वाइन किया था अपने यहाँ, इंटरव्यू की क्लासेस ली और मॉक इंटरव्यू है वो अपने इंस्टीट्यूट से लिए थे। यस बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट करा और आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया। मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी जब वैकेंसी डिक्लेयर हुई, उससे अराउंड 2 मंथ्स अगो, और मैंने पहले फोकस करा कि मैं, मतलब मेरा टारगेट सबसे पहले ये था कि मैं कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करूं टाइम बाउंड, और उस हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट करा और शेड्यूल डिवाइड करा था। मतलब मैं 2021 में ही मेरी BA LLB भी कम्प्लीट हुई है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, पर मैंने उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइड करा मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के साथ में, और मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी, बेरैक्स को रेफ़र करा और मेजर सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स वगैरह वो करी। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ तब मैंने ऐसे और उनकी बुक्स वगैरह पढ़ी और जो करंट अफेयर्स चल रहे थे और जो पास्ट ईयर्स के, मतलब अभी तक के जितने भी ऐसे आए हैं, एक बार उनको मैंने ज़रूर देखा था क्योंकि अभी तक जितने भी वो आए हैं। और फिर मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैंने सर को ज्वाइन करा था, तब सर की गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रही थी, सर ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज GK और सब कुछ पढ़ाया था और डेली वो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाते थे ताकि कॉन्फिडेंस लेवल और ये सब हमारा चेक हो सके, और जहाँ पे भी मतलब उनको लगता था कि ये गलती है तो वो उसी टाइम पर हमारे को बताते थे और वो करवाते थे। तो मेरा जर्नी ऐसी है। थैंक यू। आप लोगों को कुछ पूछना हो किसी भी तरीके से, आपको कोई माइक रखिए, आप माइक का यूज करते हुए बताएं,
प्री मेंस इंटरव्यू की किसी प्रिपरेशन के किसी स्टेज के बारे में कोई स्पेशल क्वेरी हो आप लोगों की बताएं। टाइटल को कैसे याद किया जाए, सभी टाइटल इम्पोर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के या फिर मेजर के? सभी सब्जेक्ट्स के टाइटल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेजरली जो आते हैं हमेशा से और जो मेजर इम्पोर्टेंट है अगर आप उनको भी याद रखेंगे तो चलेगा। मतलब वो उस हिसाब से अपन को मैनेज करना है, जितना टाइम बचा है अगर आपके पास पूरा टाइम है तो फिर आपको सभी कंप्लीट करना चाहिए, यही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, पेपर के पैटर्न्स भी चेंज करते रहते हैं तो अपन को रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर अपन को कम टाइम है तो मेजर जो आता रहता है पहले उसको कंप्लीट कर ले और फिर अगर टाइम बचता है तो आप फिर पूरा। प्रीवियस ईयर्स में जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में मेंस में, उन टॉपिक्स को उन प्रोविजंस को आपको अच्छे से वो तैयार करना है, एम्फेसिस करना है। और जो कभी कभी है वो रेड टू रेवेस्ट पूछे जाते हैं तो यदि समय की कमी है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, और खूब सारा समय वो वैकेंसी नहीं है अभी आपके सामने तो देन एंटायर प्रोविजन भी आप गो थ्रू रहिए उनमें से, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दिन उन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करिए। ओके, थैंक यू लक्षिता। राहुल ये